हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने बना लिया है, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करके उसको स्कूल जो है भेज दिया है। तो यहाँ पे मेरा अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो है मैं बच्चे जब स्कूल चला जाता है तो उसके बाद ही जो है काम करना जो है स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है जब बैट नहीं था ना, तो मैंने ये कपड़े जो है ना यही इसी में अटेजी में ही रख रखे थे। अभी भी वैसे अटेजी में ही है, तो मैं उनको जो है निकाल रही हूँ, बस उनको बेड में जो है बेड में रख रही हूँ। क्योंकि ना क्या अब ना मौसम जो है ना चेंज हो गया, सुबह और शाम के टाइम जो है ठंड लगती है। तो बच्चे के कपड़े जो है ना सारे विंटर के कपड़े जो है वो इसी अटेजी में थे। तो मैंने कहा कि उनको बेड के किनारे पे ही लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जो है उसको पहना दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ना अभी जो है ना, वैसे तो मैंने अलमीरा जो है ना उसमें जगह जो है वो कम हो गई है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो अलमीरा भी जो है वो भी छोटी पड़ गई है। तो फिर यहाँ पे जो है बेड मैंने इसलिए ही मंगवाया था कि ना सारे कपड़े जो है ना वो इसमें आ जाएंगे। तो अभी समर के कपड़े जो हैं उनको मैंने अभी नहीं संभाला, इनको जो है मैं अलमीरा में लगा देती, लेकिन मैंने ये सोचा दिवाली के बाद ही करूँगी ये काम, क्योंकि अभी तो वैसे इतना भी मौसम जो है चेंज, मतलब मौसम चेंज हो गया है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं लगती। दिन में तो गर्मी हो ही जाती है, धूप में धूप तो हो ही रही है। तो इसलिए तो बाद में दिवाली के बाद ही देखूँगी। दिवाली के बाद जो है ना तो मैं अलमीरा के कपड़े जितने भी हैं समर के वो सारे इसमें रख दूँगी, और जो इसके अलमीरा इसमें है मैं बेड में जो लगा रही हूँ उनको जो है अलमीरा में रख दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे बेड का काम जो है वो तो हो चुका है। मैंने बेड के सारे कपड़े जो है वो उसमें रख दिया, टेजियों को खाली कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक गमला था जिसमें मैंने कड़ी पत्ता लगा रखा था। तो ये कड़ी पत्ता जो है ना इसमें हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सूख गया है। क्योंकि ना कड़ी पत्ता का जो पौधा था, हम पहले जो पेड़ था ना वो पहले ही लेके आ गए थे, और गमला जो था हम बाद में लेके आए थे। तो पेड़ जो है ना वो सूख गया था, तो वो इसमें होएगा भी नहीं। भैया ने पहले ही बोला था कि इसमें जो है ना ये होएगा नहीं, क्योंकि ना उसके लिए जो है जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो ज़मीन पर होता है। तो मेरे को किसी ने बोला था कि नहीं हो जाएगा, तो फिर मैंने इस पर ट्राई किया तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज एक हफ्ता हो गया है तो बिल्कुल ही सूख चुका है, तो इसलिए मैंने उसको जो है निकाल दिया। तो मैंने इसमें जो है ना गमला भी जो है काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसमें जो है धनिया बो दिया। मैंने कहा इसमें धनिया हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा गमला है और धनिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही घने घने हो जाते हैं, तो उसके लिए तो जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और ठीक है ना, अपना घर का फ्रेश धनिया मिल जाए तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि सब्जी में उसको डालो तो उसकी खुशबू ही अच्छी आती है। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैं ये नटेजियों को जो है धो रही हूँ। तो इनको जो है धोकर ना मैं इनको फिर संभालूंगी। स्टोर रूम में रखे हुए थे तो इतने गंदे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी हो गई है। तो इसलिए ये एक अटेजी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो इतनी गंदी नहीं लग रही, लेकिन जो दूसरी वाली है ना वो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी है, क्योंकि स्टोर रूम में रखे हुए थे। तो अब मैं इनको धो के ना इनको जो है ना फिर संभालूंगी। अभी थोड़े दिनों में वैसे भी ये चाहिए हमको, लेकिन फिर मैं बाद में दोबारा एक बार और धो दूंगी। लेकिन अभी तो धूप तेज़ हो रही है, वैसे भी ये सूख जाएंगे। मैंने इनके जो जेबें हैं ना उनको चेक कर रही थी कि कोई कपड़ा तो, मतलब कि कोई सामान तो नहीं रह गया, कपड़े जो हैं वो तो अपने आप भींगेंगे। लेकिन हाँ, कोई ना ऐसे कागज़ वगैरह हो जो ज़रूरी हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो नहीं भींगने चाहिए, इसलिए मैंने इनको जो है दो तीन बार जो है चेक करा है। तो इसलिए मैं तो चलिए अब इनको धो के जो है मैं यहीं पर ही जो है सुखाने के लिए इनको रख दूंगी, और यहीं पर ये सूख भी जाएंगे, छत पे तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन तो इतने सारे हो चुके, पूरा ढेर, सुबह तो ऐसा ही होता है कि ना ढेरों बर्तन, पूरे मतलब कि पूरे ही बर्तन यूज़ हो जाते। और आज तो मैंने ना बच्चे का फेवरेट हलवा भी बनाया था, और आज सैंडविच भी बनाया था उसको, स्कूल के लिए भी मैंने हलवा जो है बनाकर भेजा था। उसका हलवा जो है ना, उसको जो है ना सूजी का ही हलवा उसको बहुत टेस्टी है, बहुत पसंद है। अगर मैं दूसरा बनाती हूँ ना, आटे वगैरह का तो नहीं खाता है, सूजी का हलवा जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ही उसका फेवरेट है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं जो है गैस की, मतलब पूरा किचन के बर्तन तो मैंने धो दिए हैं, उनको मैंने बाहर रख दिया है। तो यहाँ पे आज मेरे को मैंने ना गैस वगैरह को भी जो है धो दिया है। तो यहाँ पे जो
मैंने इसमें पीताम्बर लगाया था ना, उससे काफ़ी तो फ़र्क पड़ा है। उससे बिल्कुल भी मतलब वाइट ने जो बिल्कुल वाइट हो गई थी ना टाइलें, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो एक दो बार और यूज़ करूँगी। तो मैंने कहा कि इसको अभी कल परसों ही मैंने यूज़ किया है, एक बार और यूज़ करूँगी। संडे के दिन ही मैं जो है इसको यूज़ करूँगी, फिर देखती हूँ कि क्या पता और भी वाइट वाइट जो दाग लग रखे वो पूरे जो है ठीक हो जाए। तो चलिए मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में। तो यहाँ पर बेडशीट जो है वो मैंने चेंज करी है, आज मैंने दूसरी बिछाई है। कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, आज भी नहीं धोऊंगी, कल भी नहीं धोए। मेरे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे, कल तो मैंने धोए थे पर थोड़े ही धोए थे, बच्चे के कपड़े ही धोए थे। तो बच्चे के कपड़े तो आज तो नहीं है, तो इसलिए मैंने ना पूरे स्टोर रूम में जो है कपड़े रख रखे। तब तो ना मुझे ना यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं कि तबीयत ख़राब हुए हुए। वैसे तो आज फीवर तो ठीक है, लेकिन ना कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है, वो मेरी नाक जो है ना बिल्कुल बंद हो रखी है। तो फिर भी मैंने पहले तो मैं ये सोच रही थी कि ना थोड़ी देर ना आराम कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि घर इतना फैला हुआ है तो मन भी नहीं करेगा आपका, मतलब मेरा ध्यान ना वहीं जाएगा कि पूरा घर जो है फैला हुआ है कि कैसे करें। मेरा ना आपको फेस देख के भी पता चल रहा होगा कि मेरे को मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे जो है घर का सारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है, झाड़ू पोछा मैंने सारा लगा लिया है। तो मैंने सोचा जल्दी से फटाफट से सारा काम कर लूँगी और फिर एक मेडिसिन लेके थोड़ी देर आराम कर लूँगी, फिर बच्चे को जाऊँगी स्कूल लेने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने ना अब कर रही हूँ बालकनी की सफाई, क्योंकि सुबह मैंने यहाँ पे जो है वो कड़ी पत्ता का जो पेड़ था वो निकाला था, तो सारी जो है मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे जो है इसको साफ़ कर लेती हूँ। और हवा भी जो है ना इतनी तेज़ चल रही है, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और दिन में जो है वो गर्मी हो जाती है, सुबह शाम इतनी ठंडी होती है, मौसम भी पता नहीं क्या है, कभी गर्मी हो जाती है, पंखा चलाओ तो फिर ना तब तो ठंड लगती है और ना चलाओ तो गर्मी लगने लग जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट से करती हूँ बालकनी की सफाई, और इसके बाद जो है मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और ऐसे ही स्वस्थ रहना, ऐसे ही खुश रहना, मुस्कुराते रहना, स्वस्थ रहना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।